परसेंटेज इंक्रीज पे क्वेश्चन करेंगे, लेट्स सपोज वो जो मोस्ट कॉमन एमसीक्यूज है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2 है, ओके हमें इस रिलेशन का पता है, अगर हमें मोमेंटम में का के इतना इंक्रीज आए तो काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज आएगा, और अगर डिक्रीज भी आ गया तो फिर भी काइनेटिक एनर्जी में कितना डिक्रीज आ गया। तो देखो मैं आपको आसान से कहता हूँ, आप हमेशा ही इनिशियल मोमेंटम को 100% लेंगे, 100% मीन्स 1, और इस तरह काइनेटिक एनर्जी इनिशियल को भी आप 100% ले ले, मतलब 1 ले ले। अब जो इंक्रीज आया है, लेट सपोज उसने कहा कि 20% इंक्रीज इन मोमेंटम, तो जब मैंने 100% वो लिया है तो 20% का मतलब मैं 0.2 दूंगा, मतलब 100 को 100 पे डिवाइड करो 1, तो 20 को 100 पे डिवाइड करो तो वो हमारे पास आती है, तो 0.2। तो मेरे पास जो फाइनल बनेगा वो क्या होगा, वो इनिशियल प्लस जो चेंज आ गया है, ठीक है, तो फाइनल हमारे पास क्या हो गया, 1 प्लस 0.2, सो फाइनल वैल्यू इक्वल टू 1.2, ठीक है। अब आते हैं काइनेटिक एनर्जी, तो इनिशियल 1 था, अब फाइनल क्या हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का जो रिलेशन है वो पी स्क्वायर है, तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन पी स्क्वायर, तो मतलब हमारे पास फाइनल क्या हो गया, 1.2, और मैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल फाइंड करना चाहता हूँ, तो सिंपल 1.2 का स्क्वायर ले लें। अब इस तरह करिए, पॉइंट को आप इसी स्क्वायर में ना ही ले ले, मतलब आप उसको निगलेक्ट करें, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, अभी पॉइंट को डाल दें, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल 1.44। आर काइनेटिक एनर्जी फाइनल अगर परसेंटेज की बात आए तो पहले हमने 100 पे डिवाइड किया था, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 144 हो गया, ठीक है, 144%। अब हमारे पास चेंज कितना आया, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 144 माइनस 100, तो इट इज 44%, ठीक है। तो सिंपल अगर हम दूसरा क्वेश्चन करें, लेट सपोज उसमें इंक्रीज आया 30%, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम करते हैं, तो देखो मोमेंटम क्या हो जाएगा, 1 तो पहले था, 30% सो 1.3 हो जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगी, तो वो 1.3 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि क्या आएगा, 1.69 आएगा, 13 स्क्वायर 1.69 आएगा। अब काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज कितना आया, तो फाइनल इनिशियल 1 था, तो 1.69 से 1 को निकालो तो 0.69 आ 69%। तो देखो कितनी आसानी से आप कर सकते हो, लेट्स सपोज मैं 40 देता हूँ, 40% काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज मोमेंटम में इंक्रीज है, तो काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाएगी, तो मोमेंटम फाइनल क्या हो जाएगा, 40%, सो मीन 1.4, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगी, तो 1.4 का स्क्वायर, जो कि 1.96 है। अब चेंज कितना आया, तो उससे 1 को निगलेक्ट करो, तो 1.96 माइनस 1, तो इट विल 0.96, और परसेंटेज कितना है, तो परसेंटेज विल बी इक्वल टू 96%। ओके, जिस तरह हमने परसेंटेज इंक्रीज की बात की थी, अब हम परसेंटेज डिक्रीज के वो किस तरह सॉल्व करेंगे, तो वो भी आसान है। अगर लेट सपोज हमें कहता है कि मोमेंटम में इतना इंक्रीज और डिक्रीज आ गया, ये सिर्फ मोमेंटम के लिए नहीं है, अभी मैं और भी इक्वेशन लिखूंगा उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब डिक्रीज पे बात करते हैं, तो इससे पहले आप ये करें कि मोमेंटम इनिशियल को 100% लेंगे, मीन 1 लेंगे, इस तरह काइनेटिक एनर्जी इनिशियल को भी 100% मीन 1 लेंगे, ठीक है। अब देखो उसने कहा कि मोमेंटम में 20% डिक्रीज आया, तो बस सिर्फ ये काम करें कि डिक्रीज में आप उसको सब्ट्रैक्ट कर ले, मीन पहले क्या था 100% था, फाइनल क्या हो गया, वो 100 माइनस चेंज जो आया, चेंज कितना आया, 20% आया, सो माइनस 20, सो इट विल गिव्स व्हाट, 80%, और 80 का मतलब 0.80, क्योंकि मैं जब इस रिलेशन में वैल्यू पुट करूंगा तो ये रिलेशन परसेंटेज के लिए परसेंट वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं करोगे, आप उसको एक्चुअल वैल्यू में डालोगे, परसेंट को मतलब 100 पर डिवाइड करोगे तो एक्चुअल वैल्यू आएगा। अब जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 0.8 के स्क्वायर के बराबर, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगी, वो 0.64 हो जाएगी, ठीक है, इसका स्क्वायर 0.64 आता है। अगर इस तरह नहीं है तो आप इस पॉइंट को नोट करते हो, इसका स्क्वायर 64 है, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 पॉइंट पे है, तो स्क्वायर है, तो मतलब 2 पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है। आप जिस तरह भी याद कर सकते हो याद कर लो, लेकिन इसका मैं ये जो बताता हूँ। अब देखो चेंज कितना आया, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आया, तो पहले 100 जो कि क्या था, 1 था। अब देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी माइनस, क्योंकि ये पहला 1 था, अब मैंने माइनस कर दिया क्या, 0.8, तो सॉरी 0.64, सो इट विल गिव 0.36, और परसेंटेज में कितना होगा, परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी 36% होगा।
ठीक है, तो इस तरह हम डाल कर सकते हैं। अब लेट सपोज अगर कहूँ कि 30% डिक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, तो अभी तो मैं डायरेक्ट कर लूँगा क्योंकि मैंने तरीके बता दिया 30%, तो मोमेंटम फाइनल क्या हो जाएगा 100 - 30 विच इज 70% आर 0.7। अब काइनेटिक एनर्जी फाइनल का अगर मैं स्क्वेयर ले लूँ तो 0.7 का स्क्वेयर ले लो तो क्या हो जाएगा 0.49। अब चेंज कितना आया, तो चेंज मिला 100 था जो कि 1 था, इससे 0.49 को निकाल लो तो ये क्या हो जाएगा 0.51 आर 51%। ठीक है, अब इन सारे वैल्यू को मैं टेबुलेटर फॉर्म में लिखता हूँ। अब देखो 20% इंक्रीज के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या था 44%, ठीक है 30% के लिए 69%, 40% के लिए तो 40% क्या हो जाएगा 96%, ठीक है 50% के लिए 125%। आप खुद कर सकते हो उससे, अगर नहीं है तो कमेंट में पहले लिखते हैं, मैं दोबारा सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, इस तरह 60% 70% उसके लिए भी आप खुद सॉल्व करें। ठीक है, इस तरह 20% डिक्रीज के लिए काइनेटिक एनर्जी 36% डिक्रीज हुई थी, 30% के लिए अभी हमने सॉल्व कर लिया कितना आया था, वो डिक्रीज हुआ था 51%। ठीक है, 40% के लिए तो देखो 40% के लिए मोमेंटम फाइनल क्या हो जाएगा 40%, सो 1 - 0.4 इट विल गिव 0.6। अब काइनेटिक एनर्जी फाइनल स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.6 का स्क्वायर, तो ये 0.36 आएगा, सो 1 से 0.36 को निकालो तो 0.64 जो कि 64%। ठीक है, अगर 50% के लिए मैं कर लूँ तो 50% से 75% आएगा। ठीक है, अगर 60% से मेरी कर लूँ तो 60% से हमारे पास 86% आ जाएगा। ठीक है, और ये आप खुद के लिए सॉल्व करेगा, नहीं है तो फिर कमेंट में लिख दे, मैं दोबारा सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, अब देखो इट्स ये हो सारे वो इक्वेशन के लिए है जो इस लॉ को ओबे करते हैं, मीन्स दिस वैल्यू इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम स्क्वेयर। जरूरी नहीं है, ये भी है लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वेयर, वो इससे भी दे सकते हैं, इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी इक्वेशन जिसमें वो रिलेशन डायरेक्टली टू स्क्वेयर हो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह सेंट्रीपिटल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी स्क्वेयर। ठीक है, इस तरह पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वेयर, वोल्टेज स्क्वायर, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट स्क्वायर, वो किसी भी तरह से आपको कंफ्यूज करते हैं, लेकिन जिसमें भी स्क्वायर डायरेक्टली स्क्वायर ला हो उसके लिए आप ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,